स्कूल की बस ने कार को मारी टक्कर, हुआ हंगामा। रामपुर के स्वार बाजपुर मार्ग पर उस समय बहुत बड़ा हंगामा हो गया जिस समय मोदी स्कूल की बस द्वारा ड्राइवर की लापरवाही से एक कार में सवार लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही घटना स्थल पर भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस भी आनंद फानंद में घटना स्थल पर पहुंच गई और भीड़ को शांत कराया और बस के ड्राइवर को पकड़कर थाने ले गई। मोदी स्कूल के प्रशासन की लापरवाही की वजह से कल भी एक बस पनवड़िया बाईपास के पास पलट गई थी और जिसमें बच्चों को चोट आई थी, परंतु स्कूल प्रशासन और शासन की तरफ से स्कूल बसों की कोई भी फिटनेस चेक नहीं की जा रही है और न ही ट्रेन ड्राइवरों को रखा जा रहा है। स्कूल प्रशासन की लापरवाही के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन चुप है। बताया जा रहा है कि कार में सवार लोग बरेली और ठाकुर द्वारे के रहने वाले हैं, जो कि रामपुर अपनी रिश्तेदारी में आए हुए थे और वो अपने घर वापस जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार स्वार बाजपुर वाले मार्ग पर कोसी मंदिर के चौराहे पर पहुंची कि पीछे से आ रही स्कूल की बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी, जिससे अफरा तफरी मच गई। आना था, उसने हमारी गाड़ी काफी दूर तक खींचता हुआ लेके आया और खींच के वहीं रोक लिया। फिर यहाँ के सारे मुसलमान लोग लेडीजों का साथ देने की जगह उसका साथ दे रहे थे, हम अगर उससे बक रहे थे तो। अब बताइए ऐसे में क्या करा जाए यहाँ। अच्छा, बच्चे भी थे गाड़ी में? गाड़ी में तीन चार बच्चे थे, तीन बच्चे, दो लेडी थे, दो जेंट्स थे। बस कौन सी थी वो? बस मोदी। अच्छा, स्कूल की? स्कूल बस थी मोदी। आप कहाँ की रहने वाली? हम, मैं रहने वाली बरेली की, ठाकुर द्वारा की, यहाँ सिविलाइंस LIC खाने। हमारे ताऊ जी एक्सपायर हो गए थे, उनकी तेराई थी, तेराई का खाना खा के अपने निवास स्थान पे हम लोग आ रहे थे, उसके बाद ये कांड। अच्छा, कहाँ रहते हैं? अभी तो खाने आ रहे थे। बस का नंबर क्या किया? बस का नंबर हमारे हस्बैंडों के पास है, वहाँ वो लोग कर रहे हैं। अभी कुछ कंप्लेंट करेंगे इन लोगों की? जी हाँ, कंप्लेंट करेंगे, अभी वो कर रहे हैं हमारे हस्बैंड। अच्छा, जिस तरीके से मोदी की कल भी एक बस पलटी है, तो कहाँ तक आप इन लोगों? बहुत बहुत बदतमीज ये लोग हैं, ये ड्राइवर जो है बहुत बदतमीज है। हमारी गाड़ी खींची, आप टायर का हाल देखिए, ये गाड़ी खींची गई है और सारी गाड़ी बेकार करी है। हम इनके खिलाफ जरूर कंप्लेंट करेंगे।